लोकसभा चुनावों के नतीजे को आज फाइनल था और ये फाइनल कांग्रेस ने जीता है अंबाला से। तो अंबाला में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो एकजुट हो चुके हैं और खुशी मना रहे हैं, लड्डू बांटकर इस खुशी को मनाया जा रहा है, ढोल बजाकर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं इस खुशी को मना रहे हैं। आज सुबह जब मतगणना शुरू हुई थी तभी से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वरुण मुलाना वो लगातार लीड बनाए हुए थे और अंत तक ये लीड जो है बनी रही और वरुण ने जीत हासिल की है। उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं वो खुश हैं और एकजुट होकर अब लड्डू बांटकर इस खुशी को मना रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के हिस्से में जो जीत है वो 10 सालों के बाद आई है, लेकिन कितनी खुशी है उसको लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। सर, जीत बड़ी देर में आई है और मुकाबला भी कड़ा था, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो अंबाला वासियों को, हरियाणा वासियों को बधाई देना चाहूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने आज कांग्रेस का साथ दिया, इंडिया गठबंधन का साथ दिया, जैसा कि आपने बताया कि 10 साल के बाद जो है कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। देखिए, एक तानाशाही की सरकार चल रही थी हिंदुस्तान के अंदर, आज एक बदलाव के रूप में हम देख रहे हैं, चाहे वो खट्टर की सरकार हरियाणा में रही हो, चाहे वो हिंदुस्तान में मोदी की लहर जो कहा करते थे, आज वो आप तहस नहस होकर लहर रह गई है। और जिस तरह से मोदी मीडिया 400 सीटें दिखाकर लोगों को डराने का काम कर रहा था, आज हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने दिखा दिया कि जनता है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। आज जनता ने आप देखेंगे कि अभूतपूर्व जीत, चाहे वो अंबाला के अंदर रही है, चाहे वो हरियाणा के अंदर 6 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में आई हैं और 250 से ज़्यादा सीटें जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन, आप देखेंगे कि 2-4 दिन के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एक बार फिर 2004 मुझे याद आ रहा है, जब 2004 के अंदर इंडिया शाइनिंग का नाम इन लोगों ने दिया था, लेकिन बदलाव के रूप में लोगों ने सब कुछ सामने लाए थे और आपने देखा था कि तब भी यूपीए की सरकार बनी थी और अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बार कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट थी, एग्जिट पोल भले ही खिलाफ थे लेकिन कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी। देखिए, यह चुनाव कांग्रेस ने नहीं, इंडिया गठबंधन ने नहीं, हिंदुस्तान की जनता ने लड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर तराही तराही चल रही थी, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो सर्विस का मुद्दा हो, चाहे वो बिजनेसमैन का मुद्दा रहा हो, किसानों का आंदोलन रहा हो, सभी लोगों ने लड़ा है चुनाव। इसीलिए कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि सभी ने एकजुट होकर मोदी गठबंधन को हराने का काम किया है। इसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को, हरियाणा की जनता को और अंबाला की, विशेष तौर पर अंबाला की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो जीत की खुशी कांग्रेस में दिख रही है, एग्जिट पोल को लेकर आज किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि जीत जो है उनकी होगी और जो तैयारियां हैं वो पहले से ही की गई थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।